हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और बढ़िया हो सभी लोग। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम कंटिन्यू प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस हुए हैं। इससे आपको ये देखने को मिलेगा कि आपने जो पढ़ाई की है और आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो दिशा सही है या गलत है। और बच्चों, एक बात आपको समझनी होगी जो सबसे ज़रूरी है आपके लिए, जो ये टाइम है आपका, ये कंपटीशन का बहुत ही भयानक दौर है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ें आपके लिए हैं जो कंपटीशन को बढ़ाती हैं, जो कंपटीशन का ग्रोथ कर रही हैं। और अगर पेपर कोई सरल आ गया तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। कंपटीशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इससे अब नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आप सरकारी जॉब पा जाओ तो सभी लोग सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक आप मेहनत से करो, फिर जब आप पढ़ाई मत करना तो बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी आ गए हैं आपके लिए, ये आपके कंपटीशन को और बढ़ा दिए हैं। तो आपको भी अब और मेहनत करनी होगी जॉब पाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी लाइफ जी सको, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है, अगर आप नॉर्मली ऐसे ज़िंदगी जीना चाहोगे तो इम्पॉसिबल है। और कितने साल तक संघर्ष करोगे, वो संघर्ष का समय, वो जवानी आपकी ख़त्म हो जाएगी संघर्ष करते करते। तो आप इसी टाइम इसी वक्त आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जिससे आने वाले 6 महीने बाद तुम्हें संघर्ष के लिए सोचना ना पड़े। आप संघर्ष से बाहर आ चुके हो, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए हो, एक ऐसी जॉब पा जाओ कि आपका जीवन आराम से गुजरता रहे और आपकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे। वरना आपका जीवन ऐसे ही सोचते हुए बीत जाएगा कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। हम लोग आपके लिए लगातार प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं और ये हमारा तीसरा क्लास है, आज थर्ड नंबर की क्लास है। हम कंटिन्यू रखेंगे। अप्रॉक्स 20 पेपर हुए हैं, 20 से 25 पेपर एसएससी जीडी के 2019 में हुए हैं, 2019 में हुए हैं। तो 2019 में जितने भी पेपर हुए हम सारे पेपर सॉल्व करा डालेंगे। पहले मैथ के करा डालेंगे और फिर रीजनिंग के करा डालेंगे। मैथ के पहले करा रहा हूँ, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा मान के चलो 15 अक्टूबर तक। उसके बाद आपका पेपर तो स्टार्ट है ना दिसंबर से, अक्टूबर के बाद हमारे पास नवंबर से स्टार्ट है ना, 15 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट है। तो 15 नवंबर एक महीने का समय मिलेगा, एक महीने में सब रीजनिंग सॉल्व करा डालूंगा। और जीएस और हिंदी के भी प्रैक्टिस पेपर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अब हिंदी भी सॉल्व कराई जाएगी, जीएस भी सॉल्व कराई जाएगी, बस आप कितना पढ़ते हो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और सीखना जरूर भैया, सबको सीखते हुए पढ़ते चलना, जिससे कि आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर डालो कि पेपर में जाने के बाद आप तुरंत का तुरंत क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक्स अपॉन वाई। बेटा, जब भी कोई अपॉन में संख्या हो आप उसको एक्स रेशियो वाई लिख सकते हो, 6:5, ठीक है। और वाई रेशियो जेड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बेटा 9:25, यही तो लिखा हुआ है। अब समझना, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स रेशियो जेड। जब भी ये पैटर्न आपका पेपर आपको दे, तो जो दोनों में कॉमन हो, वो ऐसे बनना चाहिए, कॉमन वाली संख्या कॉमन के नीचे आनी चाहिए। ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा, एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड, जो संख्या दोनों में कॉमन हो वो एक के नीचे एक आनी चाहिए। ये रेशियो का मेथड है, ठीक है। देखिए वाई और वाई और एक संख्या कॉमन जरूर होगी आपके रेशियो मेथड में, एक संख्या कॉमन जरूर होगी, ठीक है। आओ अब समझो, तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या है, 6:5 है, और वाई रेशियो जेड की वैल्यू क्या है, 9:25 है। आपको y की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, 5 है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो y की वैल्यू y के नीचे आनी चाहिए, क्योंकि y और y कॉमन है, y की वैल्यू y के नीचे आनी चाहिए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 6 9 54, 9 4 जा 55, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे
और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 125, तो ये हो जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ये आपका एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आ गया। आपसे पूछा क्या एक्स रेशियो जेड क्या होगा, एक्स यहाँ पे एक्स का मान कितना है 54, तो एक्स का मान आप रख दो 54 और जेड का मान कितना है बेटा 125। ये जेड का मान हो गया तो 125 आपका आंसर आ गया 54:125। क्लियर है सभी लोगों को, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए, हमें समय लगता है एक मिनट, आपको समय लगेगा 30 सेकंड, क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ी है, आपको सिर्फ पेपर में लगा के आंसर देना है ना, आपको समझाना नहीं किसी को कि कैसे सॉल्व होगा, हमें समझाना रहता है इसलिए समय लग जाता है। ठीक है, आइए। दिया गया है यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नंबर को जब भी प्राइस से डिवाइड करते हैं तो आपको संख्या मिल जाती है। नहीं, हाँ देखिए, जैसे आपने कहा कि हमने 10 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी हैं, 10 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी हैं, आपने कितनी टॉफियां खरीदी 10, कितने रुपए में 10 रुपए में, तो इसको डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 1 रुपए में 1 टॉफी पड़ी ना, तो यहाँ से आपको रेट मिल जाता है। जब भी नंबर को प्राइस से डिवाइड करोगे आप तो आपको रेट मिल जाएगा कि आपने कितने रुपए में क्या खरीदा है। ठीक है, एन बाई पी आप हमेशा ध्यान रखना, नंबर अपॉन प्राइस, ये नंबर होता है और ये प्राइस होता है, प्राइस होता है। ठीक है, हमसे कहा 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो होता है एसपी भाव। हाँ, आप इसको ये कह सकते हो भाव बराबर नंबर बटे प्राइस, भाव बराबर नंबर बटे प्राइस। सीपी भाव 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, हंड्रेड प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन क्या कह रहा, 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता, मीन्स खरीदा, मीन्स सीपी, सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, मीन्स क्रय मूल्य। ठीक है, मीन्स खरीदना। ठीक है, एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस, मीन्स विक्रय मूल्य, मीन्स बेचना। ठीक है, तो क्या कहा, 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है, 486 रुपया, रुपया ऊपर जाएगा, रुपया नहीं ऊपर जाएगा, नहीं नंबर ऊपर जाएगा, कितनी टॉफियां आपने खरीदा 324 टॉफियां खरीदा, कितने रुपए में 486 रुपए में, कितने परसेंट का लाभ चाहिए 50% का, तो 100 प्लस 50 अपॉन 100, 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, हमने कहा एक्स टॉफियां बेचे कितने रुपए में 90 रुपए में, बताइए कोई परेशानी यहां तक की, हमने कहा एक्स टॉफियां बेचे कितने रुपए में 90 रुपए में, क्योंकि ऊपर नंबर आता है नीचे प्राइस आता है। ठीक है, अब आगे समझिएगा, कैलकुलेट किया जाए, थोड़ा सा जगह की कमी आ रही है ये। ठीक है, अब समझिएगा, एक्स बाई 90 इक्वल टू 324 अपॉन 486 इंटू 150 अपॉन 100। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ये कटेगा 9 × 5 = 45 और फिर कितना बचेगा, 9 × 5 = 45, 3 बचेगा, 9 × 4 = 36, 54 आ गया, ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, कट गया, ये कट जाएगा 6 बार में, तो 15 × 6 = 90, एक्स बराबर 90, कुछ गलत आया, 54 × 6 = 24 हासिल लगेगा, 2 × 6 = 30, 30 × 2 = 32 और 9 × 5 = 45, 3 जाएगा, 9 × 4 = 36, 1 × 0 = 15 × 6 = 90। कह रहा है उसने 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो 90 रुपए में 90 टॉफियां आ रही हैं और ऑप्शन नहीं मैच करा रहा, एक बार चेक करिए कैलकुलेशन बेटा,
हमने कहा 324 रुपए में 486 टॉफी उसने खरीदा है और 50% का लाभ चाहता है, तो 150/100 उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो x/90 ये नंबर ऊपर चला जाएगा बेचनी चाहिए, प्राइस नीचे चला जाएगा, x रुपए में 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने काटा, 10 से 10 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, ठीक है। 9 × 5 = 45, 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा, 9 × 4 = 36 और 54 × 6 = 24 का 4 हाथ से लगेगा, 2 × 6 = 35, 2 = 32 सही है और 15 × 6 = 90, x = 90 आ रहा है कि वो 90 टॉफियाँ बेचनी चाहिए। चलिए अभी हम इसका बाद में आंसर मैच करा लेंगे, शायद आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो, एक बार रुकिए देख लेते हैं इसका आंसर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, वैसे ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। चलिए अच्छा बाद में देख लिया जाएगा ना, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है शायद इसमें, हमारा तो 90 ही आंसर आ रहा है, आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो या लौट के फिर से चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। हमें तो लग रहा है 90 हमारा सही है, आपको क्या लग रहा, आपको तो लग रहा है सजी ने गलत लगा दिया ना। चलो अभी फिर से चेक कर लेंगे। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब वर्ग है एक, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं, और इसका एक विकर्ण हमें क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर का दिया गया है। हमसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, ठीक है। जब भी आपके पेपर में आपको विकर्ण दे दिया जाए, जब भी आपके पेपर में आपको विकर्ण दे दिया जाए तो आप लगा देना क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बटे में 2, ये फॉर्मूला लगा देना, इसे डायरेक्ट आंसर आपका निकल आएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर 14 × 14 बटे में 2, तो 2 × 7 = 14 और 14 × 7 = 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये देखो एरिया आ गया, बताइए कोई परेशानी है आपको, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी, चले आगे बढ़े। वाह, समय और कार्य का, आप समझिएगा ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। रवि, मनीष और नवीन अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है और 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। शेष कार्य को रवीन कितने दिनों में पूरा करेगा। भैया सभी लोग ध्यान समझना, हम आपको अपने मैटर से समझाते हैं। आप रवि है, मनीष है और नवीन है, हमने कह दिया आप 3 दोस्त हो, कौन, रवि, मनीष और नवीन, आप 3 फ्रेंड हो, ठीक है। एक कार्य आरंभ करता है और रवि एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, मनीष 15 दिन में पूरा कर सकता है और नवीन 10 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों का एलसीएम ले लीजिए तो टोटल वर्क जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। हम इसको कभी भी वर्क नहीं मानेंगे, हम टोटल मनी मानेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपसे काम करवाया जाए, अभी कह दिया जाए जाओ झाड़ू लगाओ तो बहुत मेहनत है, लेकिन अभी आपसे कहा जाए जाओ 10 रुपये का ये जाओ कुछ खाओ जाके, तो तुरंत बहुत खुशी खुशी चले जाओगे। मीन्स आपको काम करने में परेशानी होती है लेकिन पैसा कर खर्च करने में मज़ा आता है। तो इसमें जो काम करने की बात कर रहा है, हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमको परेशानी है, हम पैसा खर्च कर लेंगे, हमें उसमें बहुत आराम है, ठीक। तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल रुपए जो हैं वो कितने हैं, 30 हैं, टोटल कितने रुपए हैं, 30 हैं, ठीक है। 30 × 31 = 30, 15 × 2 = 30 और 10 × 3 = 30। मीन्स रवि जो है एक दिन में 1 रुपये खर्च करता है, मनीष एक दिन में 2 रुपये खर्च करता है, नवीन एक दिन में 3 रुपये खर्च करता है। जैसे आप एक दिन में 1 रोटी खाते हो, रोज 1 रोटी खाते हो, तो आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, 1 हो गई। वैसे ही रवि एक दिन में 1 रुपये खर्च करता है, तो मीन्स इसकी कैपेसिटी कि ये 1 ही रुपये खर्च कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएगा, इससे ज़्यादा इसकी क्षमता ही नहीं है, ठीक। जैसे कहते हैं ना इसकी औकात ही नहीं कि 1 रुपये से ज़्यादा हमें कुछ खिला सके, वैसे रवि की औकात ही नहीं कि वो 1 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सके, वैसे मनीष 2 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, वैसे नवीन 3 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता,
ये तीनों लोग आप दोस्त हो और तीनों लोग को पता है कि ये 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये खर्च करता है, समझते चलना। अब क्या होता है, वे साथ में कार्य आरंभ करते हैं लेकिन कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद रवि छोड़ देता है। अब क्या होता है, तीनों लोग आ गए काम करने मीन्स रुपए खर्च करने, कितने रुपए खर्च करना है 30 रुपए। तीनों लोग अगर खर्च करते हो तो रवि 1 दिन में 1 रुपए, मनीष 1 दिन में 2 रुपए और ये 3 रुपए। तीनों लोग 1 दिन में कितने रुपए खर्च करोगे, 6 रुपए, समझते चलना। अगर तीनों लोगों ने रुपए खर्च करना स्टार्ट किया तो तीनों लोग 1 दिन में कितने रुपए खर्च कर डालो, 6 रुपए। कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। 2 दिनों तक आपने खर्च किया, कितने रुपए खर्च हो गए, 12 रुपए। 12 रुपए आपने खर्च कर डाला। आप तीनों लोग एक एक दिन में इतने इतना खर्च करते हो, अगर तीनों लोग मिलकर खर्च करोगे तो 6 रुपए खर्च करोगे, 2 दिन में 12 रुपए खर्च हो गए। अब क्या हुआ, रवि जो है अब चले गए, रवि कहे अब हम नहीं खर्च करेंगे। अब बचा कौन, मनीष और नवीन बचे। कार्य आरंभ होने के बाद 2 दिन बाद रवि चला गया और 3 और दिन बाद मनीष भी छोड़ देता है। 3 और दिन रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद मनीष भी चला जाता है। 3 और दिन, बात को समझते चलिएगा, 3 और दिन रुपए खर्च होते हैं। मनीष और नवीन अब रुपए कितना खर्च होगा, 3, 2, 5 रुपए। अगर 3 और दिन इन्होंने खर्च किया तो कितने रुपए खर्च कर डाला, 15 रुपए। टोटल कितने रुपए खर्च हो गए आपके, 27 रुपए। 27 रुपए आपके खर्च हो गए। आपके पास टोटल कितने रुपए थे, 30 रुपए। 30 रुपए में आपने 27 रुपए खर्च कर डाले। अब आपके पास शेष कितने बचे, 3 रुपए। शेष 3 रुपए बचे। अब क्या कह रहा है, और 3 दिन बाद मनीष भी छोड़ देता, ठीक, मनीष चला गया। शेष कार्य को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा, शेष कितना है, 3 रुपए शेष है। अब नवीन को करना है। नवीन 1 दिन में कितने रुपए खर्च करता है, 3 रुपए, और कितने रुपए खर्च करना है, 3 रुपए। तो कितना दिन लगेगा, 1 दिन, क्योंकि वो 1 दिन में तो 3 रुपए खर्च कर ही डाल रहा है, 3/3 आपका 1 रुपए। 1 रुपए नवीन खर्च करेगा, 3 रुपए खर्च करेगा नवीन 1 दिन। जो शेष बचा 3 रुपए वो नवीन को खर्च करना है, और नवीन 1 दिन में कितने रुपए खर्च करने की क्षमता रखता है, 3 रुपए। तो 3 रुपए जब उसके पास है तो 1 ही दिन में खर्च हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 दिन। बताइए कोई परेशानी है, समझ गए सभी लोग। भैया मनी मान लेना, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन हो, अभी हम आपको एसआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समय कार्य के हमने निकाले हैं, आप देखना, आप रुपए मान लेना सेकंडों में आंसर आएगा, कितना भी वो तोड़े मड़ोरे, लेकिन आपका आंसर सेकंडों में आएगा। आगे बढ़ें, चलिए, कह रहा 10,640 रुपए की एक राशि 5% के साधारण ब्याज पर x वर्षों में 3724 रुपए प्राप्त होता है, क्या ब्याज प्राप्त होता है, x का मान क्या होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है 3724, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 2 10 कटेगा, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, ठीक है, और 7 2 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 7 3 21, 1 22 का 2 हासिल लगेगा 2 7 5, ये इससे 7 बार में कटेगा, ये इससे 7 बार में कटेगा। अब बच्चे कह रहे होंगे सर कैसे आप समझ गए कि ये 7 बार में कटेगा, आप समझना बेटा, हम आपको बताते हैं, 3724 को डिवाइड करना है 532 से, करना है, आप समझिएगा इसका यूनिट डिजिट कितना है, अगर समझ गए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, ये यूनिट डिजिट दोनों, यहाँ पे 2 है ऊपर 4 है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 8 9 7 6, यही तो ऑप्शन दिए गए हैं। हम 2 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए, 2 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 मिल जाए। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, और नीचे वाली संख्या के ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करना, जब डिवाइड करना तो उल्टा प्रोसेस, आप इसमें गुणा करो, ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करो कि आपको यूनिट डिजिट 4 मिल जाए। या तो 2 में 2 का गुणा करोगे तब 4 मिलेगा, या 2 में 7 का गुणा करोगे तब 4 मिलेगा, तो ऑप्शन में क्या है, 7 ही तो है, तो आपका आंसर आ गया, मीन्स ये इससे 7 टाइम्स में कट जाएगा और आपका आंसर 7 वर्ष आ जाएगा। बात क्लियर है, बताइए कोई परेशानी है भैया, कहीं पर कुछ दिक्कत हो रही हो तो बताओ,
बताओ कोई परेशानी, चलें चलो। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय तथा महत्तम समापवर्तय कितना है, उनका योग 32 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए मेरे मेथड को तो आप ऐसे क्वेश्चनों को सेकंडों में लगा लोगे, अगर मेरे मेथड को नहीं समझे तो फिर आप परेशान हो जाओगे। आपने एक चीज पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो, इस फॉर्मूले को लिख लो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब समझना क्या क्या दिया गया, पहला नंबर और दूसरा नंबर हमें दिया नहीं गया, एलसीएम दिया गया है 60 और एचसीएफ दिया गया है 4। हमें फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मिल जाए क्योंकि उसने कहा है उनका योग, उन दोनों संख्याओं का योग कितना है 32 और उन संख्याओं का अंतर बताना है। वो संख्या क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, वो संख्याएं यही हैं, मीन्स इन दोनों संख्याओं का गुणा यहाँ पे दिया गया है, दिया गया है। अब समझना इस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 3 × 4 और गुणे में 4 है, इसको हमने ये लिख दिया, लिखा जा सकता है। बताइए 5 × 3 = 15, 15 × 4 और 4 जो 4 था। अब समझना इसका मासा कितना दिया है आपको, मासा 4 दिया है, इसका एचसीएफ 4 दिया है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो ये दो 4 हैं, ये दो 4 हमने एक इसको दे दिया 4 और एक 4 इसको दे दिया, दोनों 4 गए, अब यहाँ पे दो 4 चले गए, ठीक है, एक इसके पास आ गया एक इसके पास आ गया। हमने कहा मासा ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होती है, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, 5 और 3, हमने 1 5 इसको दे दिया, 1 3 इसको दे दिया, मीन्स 5 × 20 और 4 × 3 = 12, पहली संख्या कितनी है 20 और दूसरी संख्या कितनी है 12। उसने कहा दोनों संख्याओं का योग, मीन्स पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना आना चाहिए, 32। देखो 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, दोनों संख्याओं का योग 32 आ जाएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं का उसने अंतर पूछा है, 20 − 12 कितना हो जाएगा, 8। बताइए आ गया आंसर। अगर आप क्वेश्चन फॉर्मूले से लगाने का प्रयास करोगे तो बहुत समय आपका चला जाएगा, अगर आप मेरे मेथड को, इस फैक्टर वाले मेथड को समझ लोगे ना तो सेकंडों में आंसर आएगा। और हमेशा मैं क्वेश्चन, देखो आप कभी हमको ये नहीं देखोगे फॉर्मूले से ज़्यादा लगाता हूँ, मैं मेथड का यूज़ करता हूँ, अपने माइंड का यूज़ करता हूँ, जिसमें बच्चे अपने माइंड का उपयोग करके क्वेश्चन लगा पाए पेपर में जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, लगाओ जरा से, बताओ क्या आएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखिए बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, कह रहा 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब समझना हमने कहा 100 रुपये की वस्तु है, एक दुकानदार इस पर जब 36% का लाभ कमाता है मीन्स 136 रुपये अंकित किया होगा, और 20% की छूट देता है मीन्स उस वस्तु को 80 रुपये में बेचा होगा। समझते जाना, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा एक दुकानदार 100 रुपये की वस्तु पर 36 रुपये ज़्यादा अंकित करता है तो 136 रुपये लिखता है, और 20% की छूट देता है तो कितने रुपये हो जाते हैं, 80 रुपये। ये अंकित मूल्य हो गया और ये इसका लागत मूल्य हो गया, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 56 का, 56 × 100 / लागत मूल्य, 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 56 कितना परसेंट, 70%। कितना प्रतिशत अधिक अंकित है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित है, 70%। देखो 136 रुपये इसका अंकित मूल्य है और 80 रुपये इसका लागत मूल्य है, ठीक है। हमने निकाला कितना ज़्यादा अंकित है, 56 रुपये ज़्यादा अंकित है, 56% बदलने के लिए गुणे 100 लागत मूल्य से, तो लागत मूल्य नीचे आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। चलिए ये भी बहुत ही बेस्ट, और कल इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लोग लगा के गए हैं, आप याद करो कल हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लगाए थे, बेटा दिमाग पे जोर डालो, कल ही की क्लास में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जगह कम है ना। चलिए एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है, एक वर्ग वर्ग का परिमाप जो है वो क्या है,
वृत्त के परिमाप के बराबर है। इन दोनों का परिमाप क्या है, आपस में समान है, वृत्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। हमें बताना क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग कर दीजिए वही वर्ग का एरिया होता है। चलिए आगे क्या दिया गया, यदि वृत्त का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2464 हमें दिया गया, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर इक्वल टू 2464। काटिएगा 11 दुना 22 कटेगा, 11 दुना 22 दो जाएगा 26 होगा, 11 दुना 22 चार जाएगा 11 चौको 44 दो से कटेगा, दो एकन्नम दो, दो एकन्नम दो, दो दुनी चार आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये कितनी बार में 7, इसको 112 को जरा से फैक्टर कर लो, 112 गुणे 7 ये 7 यहाँ आ जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 7, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 16 गुणे 7, 16 सते 112 होता, हमने 112 का फैक्टर कर दिया, 16 सते 112। जो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, हमारा कैलकुलेशन ध्यान रखना, हम क्या करते हैं कैलकुलेशन इसलिए हमने किया, 112 अंडर रूट के बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन जब 16 गुणे 7 में हमने तोड़ दिया तो मेरे दिमाग में आ गया कि अंडर रूट के बाहर निकल आएगा, क्या निकलेगा, अब यहाँ पे 2 बार 7 है ना, यहाँ पे 2 बार 7 है तो 1 7 बाहर निकलेगा, और 16 4 का स्क्वायर होता तो 1 4 बाहर निकलेगा, त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी 28। यहाँ पे आइए 4 into a इक्वल टू 2 into 22/7 और त्रिज्या कितना निकाला आपने 7 गुणे 4 यही तो निकाला, ये 7 से 7 काट दीजिए, ये 4 से 4 काट दीजिए, a बराबर आ जाएगा 22 गुणे 2 मीन्स 44। और एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा आपने क्या निकाला 44, और 44 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 44 का स्क्वायर 4 चौको 16 का 6 हासिल जाएगा 1, 4 चौको 16, 16 दुना 32, 1 33 लास्ट में आएगा 1936 आंसर यही होगा हमारा, आप 44 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा ना, बताइए कोई परेशानी है। कल हम एक ऐसा क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम पढ़ के गए हैं, मीन्स आपके पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे 100%, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ें, चलिए कह रहा है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और वह हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है, आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आप क्या करते हो हर 3 किलोमीटर बाद स्टॉपेज लेते हो आराम करने के लिए, रिलैक्स करते हो, कितने मिनट 5 मिनट, 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, अब 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में हर 3 किलोमीटर के बाद आप रुकते हो तो आप कितनी बार रुकोगे 18 54, और जो 2 किलोमीटर बचेगा तो उसके बाद तो आप वो दूरी कवर कर लोगे, रुकने की ज़रूरत क्या पड़ेगी, जैसे हमने कहा हर 11 किलोमीटर आप 11 किलोमीटर की दूरी तय करते हो और हर 3 किलोमीटर बाद आप रुकते हो, आप 11 किलोमीटर की दूरी तय करते हो, यहाँ से आपने स्टार्ट किया 3 किलोमीटर, एक स्टॉपेज लिया फिर 3 किलोमीटर चले, दूसरा स्टॉपेज लिया फिर 3 किलोमीटर चले, तीसरा स्टॉपेज लिया, अब 3 3 6 3 9 9 किलोमीटर की दूरी आप चल चुके हो, आपको चलनी कितनी है 11 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर बाद तो आप अपने स्थान पे पहुंच जाओगे, तो वहां पे आप तो ज़िंदगी भर रिलैक्स करोगे, तो वहां का समय थोड़ी जोड़ोगे कि आप रिलैक्स कर रहे हो, हमने कहा हर 3 किलोमीटर के बाद आप स्टॉपेज लेते हो रिलैक्स करते हो, तो 9 किलोमीटर में आपने कितनी बार स्टॉपेज लिया है 3 बार, फिर 2 किलोमीटर की जो दूरी बचेगी उतनी देर में तो आप अपने घर पहुंच जाओगे, जब अपने घर पहुंच जाओगे तो उसको थोड़ी जोड़ोगे, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे है ये 56 किलोमीटर की दूरी है और हर 3 किलोमीटर बाद स्टॉपेज लेता है तो कितनी बार स्टॉपेज ले देगा 18 बार, और हर स्टॉपेज में कितनी देर रुकता है 5 मिनट, मीन्स कितनी देर रुका 90 मिनट, मीन्स आप कह सकते हो 1 घंटा 30 मिनट रुका ना, 90 मिनट को आप ये लिख सकते हो, ठीक है 56, और आपकी स्पीड कितनी है 56 किलोमीटर की दूरी तय करते हो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे
चार, 8 × 56। तो यहाँ पे आपको 7 घंटे का समय डायरेक्ट लगेगा। 7 घंटे का समय तो आपको दूरी तय करने में लगेगा, और जो आप रुकते हो कितना रुकते हो, 1.5 घंटे, तो 7 में 1.5 घंटे जोड़ दो कितना, 8.5 घंटे। तो टोटल दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा, 8.5 घंटे। आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आप 56 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो कितना समय लगेगा, 7 घंटे 8 × 56। फिर आप 1 घंटा 30 मिनट आराम भी तो करते हो, तो उसके भी तो जोड़ोगे, जो आप 1 घंटा 30 मिनट आराम करते हो क्या उसको नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा ना। तो टोटल समय कितना लग जाएगा, 8 घंटे 30 मिनट, 8 घंटे 30 मिनट। आगे बढ़ाएं, चलो। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, CP और SP। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है, विक्रय मूल्य से 30% कम है, हमने 30% कम कर दिया, वस्तु के विक्रय मूल्य को 100 रुपये कर दिया और इससे 30% कम कर दिया, तो क्रय मूल्य हो गया 30, 70। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 70 की वस्तु आप 100 में बेच रहे हो, कितने रुपये का हो लाभ हुआ, 30 रुपये का। लाभ गुणे 100 बटे CP, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। तो प्रॉफिट, 70 रुपये की वस्तु आप 100 रुपये में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा कितने रुपये का, 30 रुपये का। लाभ गुणे 100 बटे CP, CP कितना हुआ, 70 रुपये। 0 से 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा, 300 बटे 7, और 7 × 28 42.86, 7 × 28, 7 × 28 तो 42.86। देखो हमने जैसे काटा 7 × 28, हमने ऑप्शन देख लिया 4 एक ही में है, तो पूरा काटने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया। चलें आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं है। चलो भैया, कह रहा एक गोलाकार सिलेंडर की ऊंचाई इतने सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास इतने सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। चलो, सिलेंडर का आयतन मीन्स बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। पाई का मान क्या होगा, 22/7। त्रिज्या कितनी दी, आधार का व्यास दे रखा, व्यास, बात समझना, ये हमारा वृत्त है, तो ये जो है जब इसके केंद्र से इस परिधि पे मिलाया जाता तो ये त्रिज्या होती है, जब इसको दोनों पूरी पूरी मिला दी जाए तो ये भी r होगी, तो टोटल जो होती है ये 2r जो होती है ये हमारी व्यास हो जाती है। तो मीन्स हमें व्यास दिया है 2r, 2r इक्वल टू 3.5, तो आप यहां से r निकाल लो, r इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2, काटना नहीं, काट से अपना समय मत बर्बाद करना, r इक्वल टू 3.5/2 आ गया, r कितनी बार है, 2 बार है, 3.5/2 इंटू 3.5/2, ऊंचाई कितनी है, 16 है, ऊंचाई को 16 लिख दो, ठीक है। अब समझना, अब काटो, कैसे काटना है ये भी देखना, यहाँ से पॉइंट हटाना 10, यहाँ से पॉइंट हटाना 10, हो गया, ये 5 × 7 = 35, ये 5 × 20, ये 4 × 16, ये 4 × 5 = 20, ये 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, बचा क्या, 22/7, और 22/7 होता है 154, है आंसर में, ये देखिए, बताइए, सिर्फ वैल्यू पुट करना था, आप समझ लीजिए, अगर एडवांस मैथ का आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो फ्री के नंबर आपको देता है, क्यों, क्योंकि एडवांस मैथ में सिर्फ आपको फार्मूला लगाना होता है और उसकी वैल्यू पुट कर देनी होती है, आपका आंसर तुरंत आ जाता है, ये फ्री के नंबर होते हैं, एडवांस मैथ का कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। बढ़ा जाए, समझ में आ रहा है भैया, कुछ ना समझ में आए तो पूछ जरूर लेना, ठीक है। चलो, कह रहा है पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार्यालय से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2ab/a+b, 2ab/a+b, तो 2 × 60 × 90 अपॉन में 60 + 90, कभी भी गुणा करके पूरा मत लिखना, क्योंकि गुणा करके अगर आपने पूरा लिख लिया तो आपने अपने लिए समस्या मोल ली है,
आप कैलकुलेशन को तोड़ने का प्रयास किया करो, जोड़ने का प्रयास मत किया करो। प्यार को जोड़ो अपने, हम उसको तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उसको मत तोड़ना। लेकिन जब भी आपके जीवन में कैलकुलेशन आए तो उसको जोड़ो नहीं, उसको जितना तोड़ सकते हो तोड़ दो। जितना तोड़ोगे उतना आसान होगा, उसको जितना जोड़ोगे वो उतनी बड़ी संख्या देता जाएगा और कैलकुलेशन कठिन होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे था, आप इसका गुणा करके अगर लिख लेते तो आप अपने लिए समस्या तो लाते। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 15 छक्का 90, 6 छांग 36, 36 दुना 72, देखो ऑप्शन में है 72 मीटर प्रति सेकेंड। बताइए अब बहुत लोग एक बात और समझो, पेपर ने बहुत दिमाग लगा दिया, 72 मीटर प्रति सेकेंड मारते बहुत खुशी मिलती तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ, क्वेश्चन कन्वर्ट कहाँ पे हो गया। हम तुम लोग का यही दिमाग देखना चाहते हैं, जो आपने निकाला ये 72 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि आपने सब कुछ तो किलोमीटर में रखा है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे आ जाएगा। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देना तो आ जाएगा 4×5=20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन को देखो कहां से कहां घुमा रहा है, आपके पेपर में 72 आंसर आता आप तुरंत टिक लगा देते हो, चलते बनते। रिजल्ट आता तो बाहर पूछते भी काहे बाहर हो गया, अरे सर जी वहाँ ने ध्यान ही नहीं दिया था, किलोमीटर में दिया था और आंसर मीटर पर सेकंड में देना, जब कुछ करना नहीं था सर जी तुरंत आंसर, तो वहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया। मुझे पता था आपको आ रहा है, कुछ नहीं करना था, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने 72 देखा और आंसर लगा दिया, और 72 जो आप लेके आओ 72 किलोमीटर पर आवर में है, और ऑप्शन देखो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके आंसर देना था 20 मीटर पर सेकंड। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सब कुछ समझ जाओगे, जब तक हम आपके साथ हैं हम आपकी समस्याएं ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे और उन्हें समाप्त करेंगे, ठीक है। यदि ए बी से 25% कम है तो 2BA+A या 2BA, पता नहीं क्वेश्चन गलत अगर नोट हुआ तो आंसर नहीं आएगा, मुझे लगता है ये 2BA नहीं होना चाहिए, 2B+A/A होना चाहिए। चलो देख लेते हैं ना, आंसर अभी पता चल जाएगा। ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो इसको 100 कह दो और इससे ये 25 कम है तो कितना हो गया 75, मीन्स 25 + 75 = 100, रेशियो बन गया 3:4 का, ठीक है। अगर ये 2BA है अपॉन में A है तो आंसर गलत भी आ सकता है, 2×3×4/4, ये देखो ये नहीं है, मीन्स ये क्वेश्चन क्या लिखा जानते हो, हम जान गए, ये लिखा होगा 2B+A/A, ये होगा तभी आंसर आ सकता है, और या तो फिर माइनस में होगा या तो फिर प्लस में होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत नोट है, अब आंसर नहीं मैच करेगा। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से, हमें लगता है कुछ गलत नोट हो गया ना। B का मान कितना है 4 और A का मान कितना है 3, 2×4+3/3, तो ये हो जाएगा 4×3=7 और 7×2=14, 14/3, कोई ऑप्शन नहीं रहे हैं, कुछ क्वेश्चन गलत नोट हुआ है बेटा। 2BA 4×3=12, 3×3 कटा जाएगा तो 4×2=8, कुछ गलत नोट हो गया है, 2/3 भी ऑप्शन में नहीं है, 5/3 ही नहीं, बेटा ये क्वेश्चन कुछ गलत नोट हो गया है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 2BA की जगह पे कुछ और होता तो आंसर आ सकता था, या तो कहीं ये तो नहीं है 2B/A, चलो इससे चेक कर लेते हैं, 2×4/3, 8/3, ये भी आंसर में नहीं है, चलो तुम यही करो, छोड़ो इसको काट दो, तो 2B/A का मान बताइए, 2B/A का मान बताइए। B का मान कितना है 4, B का मान 4 पुट कर दो, 2×4=8, A का मान कितना है 3, 3 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 8/3, उसको पूछने दो जो पूछना है। जब आंसर करके क्वेश्चन जब गलत नोट हो गया तो हम क्या कर लें, जब टाइपिंग मिस्टेक है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आंसर आ गया आपका, आप क्वेश्चन की थीम समझ गए, लगाने का मेथड समझ गए, कुछ भी पूछेगा हम कर लेंगे, क्या करने से। चलो आओ अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ठीक है। ए 8 माह के लिए, बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है,
निवेश के अंत में लाभ इतना होता तो बी का हिस्सा क्या है, मीन्स लाभ का हिस्सा बताना है ए और बी में अलग अलग, ठीक है। ए है और बी है, दो लोग हैं। ये ए जो है 28, आप 28,000 रुपये निवेश करते हो और आपकी बाबू जो है 42,000 रुपये निवेश करती है। पैसे वाली है लग रहा है ना, आप 28,000 दे रहे हो, वो 42,000 दे रही है। इसीलिए कहते हैं मेहनत से पढ़ो, नहीं तो पता चलेगा वो तुमसे आगे ही रहेगी, तुम्हें उससे मांगोगे कि 2 रुपये दे दो खर्च के लिए ना। आपने कहा कि हम 28,000 निवेश करेंगे, आपकी बाबू ने कहा हम 42,000 निवेश करेंगे, ठीक है। हाँ, अब निवेश में होता क्या, ए ने सिर्फ 8 माह के निवेश किया, इसने 8 माह के लिए पैसे लगाए, बाबू ने आपके लिए 12 माह के लिए पैसे लगा दिए। अब आप देखो, आपने कम समय के लिए निवेश किया, उसने ज़्यादा समय के लिए निवेश किया, दोनों लोगों में डिफरेंट है ना। दोनों का रेशियो बनाओ, देखो क्या हो रहा है, 1 2 3, 3 0 है, 1 2 3, 3 0 काट दो, ये 7 चौको 28 और 7 छंग 42, ये 4 तिहाई 12 और ये 2 तिहाई 6 और ये 2 चौको 8, रेशियो बनेगा 4:9 का। आपका और आपकी बाबू का रेशियो बना 4:9 का। पैसे आपने 4:9 के रेशियो में लगाए हैं तो प्रॉफिट भी आपको 4:9 के रेशियो में मिलेगा, ठीक है। अब बी का हिस्सा पूछा है, आपने टोटल प्रॉफिट कितने रुपए कमाए हैं, 21,125 रुपए। आपको बी को बताना है तो 21,125 रुपए जिसको बताना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल के योग से डिवाइड करते हैं। टोटल का योग मीन 9 4 13 से कैलकुलेट करो, बताओ आंसर क्या आएगा। टोटल के योग से डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेट कर लेना और बताना इसका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन अब आपको करना है और कैलकुलेट करके आपको आंसर बताना है कि कितना आ जाएगा। सभी लोग कैलकुलेट करें, जल्दी से बताएं कि आंसर क्या आएगा। भैया कैलकुलेट करो यार, तुम लोग जल्दी से और बताओ कितने लोगों का आया, जल्दी से आंसर करो कमेंट में। कोई अब कमेंट वमेंट नहीं करते हो, मतलब लगा लेते हो अपने अंदर ही, सब रख लेते हो, कम से कम बताओ तो कितना आंसर आया है, लगा के कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। 13 25 13 1 13 और जाएगा 9, हम लिखेंगे नहीं, 13 6 78 3 42, 13 2 26 13 25 95, 9 5 45 और 4 9 2 4 22, 2 ये आएगा 14,625 रुपये। अब तुम जानना, कैलकुलेट कर लो, बताना फिर। आइए फिर एक गया नहीं कि दूसरा वैसा फिर आ गया, मींस आपके पेपर में व्यवसाय से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं SSC GD में। आप लोग ढंग से पढ़ाई करो अच्छे से, तभी जीवन में कुछ सफलता मिलेगी, वरना दो ही काम करना। बहुत लोग क्या करते हैं, उनकी एज नहीं होगी उससे पहले पैसा कमाना शुरू कर देंगे, और बहुत लोग क्या करते हैं उनकी एज नहीं होगी प्यार उससे पहले करना शुरू कर देते हैं। अपने समय का, अपने अपने एज का इंतज़ार करो, हर एज पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपके घर वाले आपकी शादी भी करवा देंगे और आपके घर वाले आपको पैसा भी देंगे। इस एज में आपको जब पैसा मिल रहा है तो आपको कमाने की क्या ज़रूरत है, और जब इस एज में आपको अपने घर वालों से प्यार मिल रहा है तो दूसरे के प्यार की क्या ज़रूरत है। जब तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब तुमसे प्यार करते हैं तो दूसरे के प्यार की तुम्हें क्या ज़रूरत है, और जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें पैसा दे रहे हैं खर्च करने के लिए तो दूसरे के पैसे, फिर तुम्हें और पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है। ये समय तुम्हें पढ़ाई करने का है तो तुम दो चीज़ों में लग जाते हो, पैसा कमाने में और प्यार करने में। हाँ, ये कौन सी बात होती है, ये कोई सही चीज़ें नहीं है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो इन दो चीज़ों से दूर रहना होगा, इन दो चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। मेहनत करोगे भैया तभी जीवन में कुछ संभव है। ये दोनों चीज़ें आपको गलत रास्ते में ले जाती हैं, आपका पथ जो भ्रष्ट कर देते हैं, आपका जो रास्ता है आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। कभी भी पैसा कमाना शुरू करना तो वो उसकी उम्र होती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ पाए, समझ पा गए, चलो तो समझो इस क्वेश्चन को। आओ,
कह रहा सुमित, रवि और पुनीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 45,000, 81,000 और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। सुमित है, रवि है और पुनीत है, ये 45,000 रुपये निवेश करते हैं और ये 81,000 रुपये निवेश करते हैं और ये 90,000 रुपये निवेश करते हैं। इनका रेशियो बना लो, एक साल के लिए निवेश करते हैं तो एक साल का रेशियो बना लो सबका, 1, 2, 3, 9 से काटो, 9, 9, 81, 9, 10, 90, 9, 5, 45, 5:9:10, ये रेशियो बन जाएगा। साल के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये का होता है, टोटल लाभ 4800 रुपये का हुआ। अब क्या हुआ, लाभ का 30% आपने दान कर दिया, 30% आपने दान कर दिया तो आपके पास बचा कितना, 70%, 30% तो लेके चले गए, दान में चला गया, तो जो बचा है वो कितना है, 7, 8, 56 का 6 हाथी लगेगा, 5, 7, 4, 28, 3, 3160 रुपये आपके पास शेष बचे। आपके पास 48,000 रुपये थे, इसका आपने 30% दान दिया, जब भी आप दान देंगे 30% दान दे दिया, 100 में से 30 घटा दिया तो कितना बचा, 70%, 70/100 तो कितने रुपये बच गए, 3160 रुपये। सुमित का लाभ का हिस्सा बताना है, सुमित का तो आपके पास 3160 रुपये बचे हैं, सुमित का बताना तो सुमित से गुणा करोगे और टोटल के योग से डिवाइड करोगे, 10, 9, 19, 19, 1, 20, 4, 24, 24 से गुणा करोगे, डिवाइड करोगे, 6, 4, 24, 6, 5, 30, 6, 5, 30, 1 जाएगा 16 होगा, 6, 6, 2, 12, 6 से नहीं कटेगा ना, रुको फिर और किसी से कटेगा, 4 से काटो, 4, 6, 24, 4, 7, 28, 4, 7, 28, 3 जाएगा, 4, 9, 36, 90 आएगा, 6, 3, फिर 2 से काट दो, 2, 3, 6, फिर 2, 3, 6, 1 हासिल जाएगा, 2, 4, 8, 2, 5, 10, फिर अगर ये 6 से, अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3, 1, 9, 3, 3, 1, 9, 3, 3, 5, 15, 5 से इसमें गुणा करो, 5, 25 का 5 हासिल लगा, 2, 5, 1, 5, 2, 7, 5, 1, 5, 575, कुछ और 48, 7, 8, 56 का 6 हासिल लगेगा, 5, हाँ तुम लोग बताते भी नहीं हो, 7, 8, 56 का 6 हासिल लगेगा, 5, 7, 4, 28, 5, 33, उसके पास 3360 रुपये बचेंगे। तो सुमित का हिस्सा बचाना है, जिसका बताना होता है उससे गुणा करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, कितना, 24 से, 6, 4, 24, 6, 5, 30, 6, 6, 36, फिर 4 से, 4, 1, 9, 4, 1 हासिल, 4, 4, 16, 14, 5, 70, सुमित का हिस्सा हो गया 700 रुपये। ठीक, पहले हमने क्या किया, तीनों का रेशियो बना लिया, तीनों का रेशियो बनाया कितना, 5:9:10, उन्होंने 5:9:10 के रेशियो में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, उन्हें लाभ कितना हुआ, 4800 रुपये उन्होंने लाभ कमाया, उसका 30% उन्होंने दान कर दिया, दान के बाद जो राशि बची वो 3360 रुपये बची, लाभ उन्होंने 4800 कमाया, उसका 30% दान कर दिया, जो राशि बची वो कितनी है, 3360 रुपये। अब ये तीनों लोगों में बटेगी, लेकिन उसने पूछा क्या, सुमित का हिस्सा बताइए, जिसका निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, टोटल के योग से डिवाइड करते हैं, सुमित का हिस्सा निकाला 700। देखिए अभी हमने आपको एक बात बताई है, जो पैसे और लड़की के बारे में बताई है वो बिल्कुल सच है। इस समय जो हमारे युवा पीढ़ी है तो उसमें बच्चे पैसे और लड़की दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जैसे कि हम एक बात बताएंगे आपको, एक मतलब एक कहानी है, सुनो, यही समझ लो, एक कहानी समझो या एक शायरी समझो इसको, कि कुछ लोग लड़की के पीछे पागल हैं, कुछ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ लोग लड़की के पीछे पागल हैं, कुछ लोग पैसे के पीछे पागल हैं, कुछ लोग लड़की के पीछे पागल हैं, लेकिन ज़िंदगी उन्हीं की बनती है, लेकिन ज़िंदगी उन्हीं की बनती है जो अपने सपनों के पीछे पागल हैं, जो अपने सपनों के पीछे पागल हैं। जिन्होंने अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा वो अपने लाइफ को नहीं बना पाएंगे। हम आपको बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अपने लाइफ के बारे में सोचो और जीवन में सफलता हासिल करो। अगर आपने अपने लाइफ के बारे में नहीं सोचा और दूसरे के बारे में सोचा तो आपकी ज़िंदगी
खराब हो सकती है। आप दो चीज़ों से दूर रहो, आपकी उम्र अभी पढ़ने की है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की है। जब आपकी उम्र पढ़ाई से हट जाएगी, जब आप इससे हट जाना, तो आप जीवन में पैसा कमाना, जो मन होगा वो करना, लेकिन जब तक आपकी पढ़ाई की उम्र है तब तक आप सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, 700 रुपये आएगा ना, आगे बढ़ाया जाए। आओ 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 35, 39, 41, 46, 47 और x का औसत 38 है, तो x का मान क्या होगा? औसत बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ आल नंबर, सम ऑफ आल नंबर अपॉन में आल नंबर। तो आपको एवरेज क्या दे रखा है? 38। सम ऑफ आल नंबर 35, 39, 41, 46 और 27 और प्लस x, जो लास्ट नंबर है इसका हमें मान बताना है, प्लस x बटे में कितने नंबर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर। 6 का गुणा इधर कर दो, 6, 8, 48 का 8, हासिल लगेगा 4, 6, 4, 24, 4, 28। इसको जोड़ो इधर, 7, 6, 13, 13, 1, 14, 14, 5, 19, 19, 1, 20, 7, 27 का 7, हासिल लगेगा 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 187। बताइए कोई परेशानी? फिर से जोड़ दें, 7 और 6, 7 और 6, 13, 13 और 1, 14, 14 और 9, 23, और 23, 5, 28, 23, 5, 28, 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18 और प्लस का x, और 288 से 188 घटा दो, 288 माइनस 188, हमें लग रहा है कि लोग फिर कुछ गलत हुआ, क्योंकि 288 से 188 घटाओगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, और 100 ऑप्शन में है नहीं। जोड़ो जरा से भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना हम गलत कैलकुलेशन भी नहीं करते हैं। फिर भी 9, 1, 10, 10, 4, 14, 14, 15, 15, 6, 21, 7, 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 2, 2, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 188 तो आ रहा है, और 188 और 288, 6, 8, 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 6, 3, 18, 4, 22। अब हम नहीं पढ़ाएंगे आज, बहुत हुआ, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी हमसे, इतना कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो सकती है। 6, 8, 48 का 8 हासिल लगेगा 4, 6, 3, 18, 18, 4, 22 और माइनस का 188 इक्वल टू एक्स। अभी हम बताते हैं हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों होती है, आ तुम भी समझ जाओगे। 0, 2 से 1 जाएगा 1, और 2 से 1 तब भी तो आंसर नहीं आएगा, 288 और 188, 8 से 8 जाएगा 0, 1 हासिल है 12, 40 आएगा आंसर में। देखो अब हम बताते हैं हमसे क्यों होता है, हम लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं। अब समझो इसको सॉल्ट मेथड, देखो हम कैसे सेकंडों में कर देंगे। हमसे आप सॉल्ट मेथड सीखने का प्रयास करो, हम तुरंत तुरंत आंसर देंगे। आप हमसे लॉन्ग मेथड लगाने की बात करो तो मेरा गलत होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन वाली बात छोड़ो, हम कैलकुलेशन नहीं करते, ऐसे क्वेश्चनों को कैलकुलेट नहीं किया जाता। आप समझना करना क्या होता पेपर में, तुरंत तुरंत आंसर आता है, लेकिन आप ये होता ना कि ऑनलाइन क्लास में मुझे कैलकुलेशन बताना पड़ जाता है। समझो हमें संख्याएं दी गई 35, 39, 41, 46, 27 और x, देखना अभी मैं कैसे आंसर बताता हूँ। 38, ये 38 से कितना कम है? -3। ये 38 से कितना ज़्यादा है? +1। ये 38 से कितना ज़्यादा है? +3। ये 38 से कितना ज़्यादा है? +5। ये 38 से कितना कम है? -11। यही तो है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट प्लस का 3 और माइनस का 3 कट जाएगा, और ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 5 है, 38, 2, 40 और 6, 8 ज़्यादा है, ठीक है। ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, कितना ज़्यादा है? +9 और -11, दोनों को घटा दो कितना आएगा? -2 आएगा। अब यहाँ पे नेट डिविएशन 0 करना होता है, अगर यहाँ पे -2 आया है तो इसको +2, तभी तो ये 0 बनेगा, इन दोनों को घटाओगे तभी तो 0 बनेगा। इन दोनों में टोटल कैलकुलेशन में -2 आया है तो इसको +2 दोगे तभी नेट डिविएशन 0 बनेगा, तो ये +2 जो उसको दियो इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 40। देखो हमें आप सॉल्ट मेथड से बताने में समय नहीं लगता, मुझे ये मेथड ज़्यादा आते हैं, हमें लॉन्ग मेथड बहुत कम आता है, हम सीधे सीधे बताते हैं, स्पष्ट बात करते हैं। चलो
छह संख्याओं का औसत N1, N2, N3, N4, N5 और N6 का औसत A है। यदि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत होगा A-5। अब इसको कहिए सर जी, आप लॉन्ग मैटर से लगा के बताइए तो मेरे बस में नहीं है। हम सिर्फ आपको इतना बता सकते हैं कि जब किसी संख्या का एवरेज दिया गया हो, उसका संख्या से जितना घटाया जाए तो एवरेज भी उतना ही कम हो जाता है। संख्या से जितना घटता जाएगा, एवरेज से भी उतना आप घटाते चले जाओगे। जैसे संख्या से 5 घटा दिया गया तो एवरेज से भी 5 घट जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। संख्या में 5 जोड़ा जाता तो आप एवरेज में 5 जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, चलो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन 4 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाती है। 1 रुपए की राशि 4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाती है? 6 गुना हो जाती है। तो वही राशि कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगी? 216 का मतलब 6 × 6 × 6 मीन्स 4 वर्ष में कितना? 6 गुना। तो 4 वर्ष, 4 वर्ष और 4 वर्ष, टोटल कितना लग जाएगा? 12 महीने। 12 महीने में कितना हो जाएगी? 216 गुने। देखिए, हमसे सॉल्ट मेथड आप सीख लो, हम कहते हैं मुझे इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, लॉन्ग मेथड में मुझे प्रॉब्लम है। लॉन्ग मेथड जहाँ मैं एक्स मानता हूँ, बस मेरा दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है, मैं क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। हमने जैसे एक्स माना, आज तक आप देखोगे एक्स मानने वाले क्वेश्चन में मेरा गलती जरूर हुई। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख रहे थे एवरेज में एक्स था, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया ना, इसलिए उसका आंसर नहीं आया। और जैसे हम सॉल्ट मेथड लगाते हैं, हम एक्स लेते ही नहीं हैं। हम इसीलिए देखो, आप हमें देखोगे हम यूनिट मानते हैं, एक्स की जगह पे हम यूनिट मानते हैं, क्योंकि हमसे वो क्वेश्चन लगाना यूनिट में आसान है। एक्स मान लेंगे तो गलत हो जाएगा पक्का। चलो, ए एक कुर्सी को 40 दिन में बनाता है, बी एक कुर्सी को 24 दिन में बनाता है। ए और बी दिन छोड़ छोड़ कर काम करते हैं, ए पहले दिन से शुरू करता है। ए एक कुर्सी को 40 दिन में बनाता है, बी एक कुर्सी को 24 दिन में बनाता है। टोटल एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा? 120, 4 × 3 = 24, 5 × 4 = 24, 5 = 120। ए प्लस बी मिलके 3 + 5 8 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे? 2 दिन में। 2 दिन में हमारे पास टोटल 120 रुपए हैं जो खर्च करना है। ठीक है, अब समझ लो, फिर से बता देते हैं। टोटल हमारे पास 120 रुपए हैं जो खर्च करना है। ए एक दिन में 3 रुपए खर्च करता है, बी एक दिन में 5 रुपए खर्च करता है। दोनों एक एक दिन रुपए खर्च करने आते हैं, दोनों एक एक दिन रुपए खर्च करने आते हैं। ए आता है 3 रुपए खर्च करता है, ये मनी है मेरी, 3 रुपए खर्च करता है एक दिन में। बी आता है 5 रुपए खर्च करता है एक दिन में। तो 8 रुपए खर्च हो गए कितने दिन में? 2 दिन में। कितने रुपए खर्च करने हैं? 120। तो 120 बनाने के लिए इधर गुणा करो, 15 × 8 = 120, तो 15 से इधर भी गुणा हो जाएगा, 15 × 2 = 30। तो 30 दिन में कितने रुपए खर्च हो गए? 120। 120 ही रुपए तो खर्च करने थे तुम्हें, कितने दिन में? 30 दिन में, आपका आंसर आ गया। चलें आगे बढ़ें। अब इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन वाला है, ये आप लगा लेना, कैलकुलेट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन वाले मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी हमने बहुत सारी क्लास पढ़ा डाली है। अब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना, कम से कम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लगा के आप आंसर बताना कि क्या आएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हम लोग जो छोड़ के गए थे, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। कहाँ गया ये वाला? ये वाला क्वेश्चन हम लोग कुछ बता रहे थे कि इसमें शायद कुछ गलती हो गई है। क्या गलती हुई, इस चीज़ को देखते हैं फिर से एक बार। यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफ़ी खरीदता है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 90 रुपए में हमने कह दिया एक्स टॉफियां बेचनी चाहिए, यहाँ से हमने एक टॉफ़ी की कीमत निकाली, ठीक, और उस पर 50% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो वो कितने रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? क्वेश्चन सही लगा है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जिससे ये ना हो कि सर ने दोबारा देखा ही नहीं ना। देखो, मेथड हमारा बिल्कुल सही था, उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, ये बिल्कुल सेम पैटर्न ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है, लेकिन जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इसको कुछ और तरीके से दे रखा है, वो हमें सोचना होगा इन्होंने क्या ऑप्शन किस तरीके से दे रखा है। उसने कहा 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? ठीक है,
324/486 गुणे 50% का लाभ तो 150/100 इक्वल टू एक्स। ऊपर क्या रखते हैं? प्राइस। और नीचे क्या रखते हैं? ऊपर क्या रखते हैं? नंबर एक्स। और नीचे क्या रखते हैं? प्राइस 90 रुपये। उसे 90 में, ओफो भैया समझ गया, उसे 90 में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 90 रुपये में या 90 रुपये में, पता नहीं क्या है। इस क्वेश्चन को छोड़ ही दूँ, इस क्वेश्चन में हमें लगता है कुछ मिस्टेक है, क्योंकि 90 रुपये में आना चाहिए। 90 में अगर हम 90 रुपये की बात करते हैं तो बेटा मेथड वही लगेगा और कोई नहीं लगेगा। एक्स टॉफियाँ 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए? एक्स टॉफियाँ बेचनी चाहिए, प्राइस बटे नंबर, नंबर बटे प्राइस। कुछ ये क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है यार, ये क्वेश्चन है कुछ अलग सा। अगर ये उससे आ रहा 90 इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 90 ऑप्शन में नहीं दे रखा। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं ना इसको, कोई प्रॉब्लम होती है तो बताते हैं कल देख के क्या है इसका मेथड, क्या है ऐसा। वैसे हमने जो बताया आप इसको ध्यान रखना, भाव बराबर होता है, आप इसको ध्यान रखना बस, प्राइस अपॉन नंबर, ठीक है। और हमेशा फार्मूला इसका बनता है SP भाव बराबर CP भाव और 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। प्लस का चिन्ह जब लगाते हैं जब प्रॉफिट हो, तो आपको CP दिया गया, प्राइस बटे नंबर, प्राइस कितना 486, कितनी टॉफियाँ 324, ठीक है। लाभ है 50% तो 150/100, ठीक है। 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचे? प्राइस बटे नंबर, एक्स टॉफियाँ बेचे, ठीक है। काटो 10 से 10 काट दो, और क्या कटेगा? कुछ कटेगा, और इससे काटो 9 91 9, 9 5 45 और 9 4 36, ठीक है। ये कटेगा 5 2 10 और 5 3 15 कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा 27 2 54 होता है, 27 कट जाएगा। अब बचा क्या? 27 × 3/324 × 10, ठीक है। 3 से काटो 3 91 3, 3 8 24, 27 4 108 और 4 2 40। देखो कुछ गलत हम लोग पुट कर रहे थे, आंसर आ गया 40, आ गया। हम लोग कुछ गलत पुट किए थे ना उस टाइम, ध्यान दिया को कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक। देखो 40 आ गया, मीन्स वो 90 रुपये में 40 टॉफियाँ बेचे, एक्स की वैल्यू आ गई 40। हम लोगों ने कुछ ऊपर नीचे पुट किया होगा इसीलिए गलत आ रहा था, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी दिमाग मेरा काम नहीं करता तो इधर उधर वैल्यू पुट हो जाती है, हम इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि हमें पता है कि कुछ इधर उधर वैल्यू पुट हुई होगी इसलिए आंसर नहीं आया। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ऑनलाइन क्लास में, सर जी ये कर देते हैं। बेटा ये ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर आप पढ़ा रहे हो और 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, मुझे पता है, ये मुझे आ रहा है, लेकिन कभी कभार ऊपर नीचे होता है। इसीलिए पेपर में भी कभी भी हमसे, जैसे मैं मेंस का पेपर देने जाता हूँ, CGL का 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, तो मुझे पता है कि मैं इसमें कहीं और गलती कर रहा हूँ, तो मैं पेपर के लास्ट में आके उसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो फिर आगे कल मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी लोगों का।